हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है बुधवार का, सुबह का ये टाइम है। सुबह के करीबन जो है 8 या 8:30 का टाइम हो गया होगा, और इस वक्त जो है झाड़ू वगैरह निकल चुका है, बच्चे उठ चुके हैं, और बाहर बालकनी वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन जो है वो कर दी है। अभी मैंने साथ साथ में मलाई जमाने के लिए रख दी है, और साथ साथ में मैं जो है ये मैंने सुबह भिगोई थी, मैं रात को ना भिगोना भूल गई थी, तो थोड़ी सी राजमा और ये जो काली दाल है वो मैंने भिगोई है, तो वो सुबह भिगोई थी ना, तो उसको अच्छे से 3-4 बार वॉश करके और इसमें सीटियाँ लगा दूँगी। और जैसे ही मैंने सीटियाँ लगाने के लिए रखा ना, तुरंत फिर बोला कि डिसीजन हुआ कि अभी हमें ये नहीं खाना है। अदरवाइज़ मैंने भिगोया था ये इसलिए था कि दोपहर को इनके साथ मैं चावल वगैरह बना दूंगी और सुबह भी काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, हमें खानी है चटनी, हरे धनिया और टमाटर की जो है वो चटनी खानी है, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मैंने कुछ भी मतलब फिर मैंने जो है चटनी ही बनाई, ये फिर मैंने जो है वो पेंडिंग छोड़ दिया। दिन में भी फिर बच्चों ने बाहर का थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी से आए थे ना, तो वरुण ने तो फ्रूट वगैरह खा लिया था, और हिमांक हमारे साथ उन्होंने जूस पिया, और हमने जो है बाहर का थोड़ा बहुत जो है कुछ खा लिया था। और अभी जो है रात का टाइम हो गया है, कल रात का यानी शाम का टाइम है ये, करीबन 7 बज गए, 7:30 हो गए हैं, और यहाँ पर लस्सी की बॉटल आई है, और अब मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। बहुत लंबे टाइम के बाद जो है मैं कढ़ी बनाऊंगी, और ये ना हल्की बहुत ही गाढ़ा सीध था लस्सी थी ये, और मतलब हल्की हल्की खट्टी होती ना वो थी, इसकी कढ़ी जो है वो बहुत बहुत अच्छी बनने वाली है। और तो मैंने सोचा कि मौका है, क्यों ना कढ़ी बना लिया जाए, और पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हिमांक तो टेस्ट कर भी चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो 1 गिलास मैंने लस्सी ली है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, सब्ज़ी मसाला इसमें डाल दिया, हल्की सी लाल मिर्च जो है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं इसमें 3-4 चम्मच भर के अच्छे से इसमें बेसन ऐड करने वाली हूँ मैं, और अब इसको मैं थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के अच्छे से इसको कर दूंगी मिक्स। और साथ साथ में जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो हिमांक जो है आप पीछे देखो कितना परेशान, वो मतलब सामान को लेकर इधर उधर लटक पटक कुछ ना कुछ जो है वो करता ही रहता है। अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, कुकर को एक बार अच्छे से पानी में से निकाल लिया है, और क्योंकि क्या है ना कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो कॉकरोच वगैरह का भी डर जो है वो रहता है, और चींटियाँ वगैरह भी जो है वो आनी शुरू हो गई हैं, भूरे वाली जो चींटियाँ होती हैं ना, हल्का सा एक दाना कहीं दिख जाए चारों तरफ जो है वो झुमल जाती है, मतलब इतना बुरा हाल जो चींटियों ने कर दिया है, और अभी तो गर्मी जो है वो शुरू ही हुई है, तो इससे भी बचने के लिए थोड़ा सा ना वो देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को ध्यान में जो है वो रखना पड़ता है। और अभी मैंने कुकर जो है वो चढ़ा दिया है, और दूसरे अभी मैं जो है फटाफट से कढ़ी में तड़का लगाने वाली हूँ। आलू ख़त्म हो गए थे ना उस दिन, हम सापला से आते टाइम आलू लेकर आए ना, सॉरी सब्ज़ियाँ लेकर आए, उस टाइम आलू बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहे कि आलू भी लेने हमें, बिल्कुल ध्यान से निकल गया था। तो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है मटर मैंने छील के स्टोर करके रखी हुई है, तो मटर जो है कढ़ी में जो है मैं मटर डालने वाली हूँ। अगर मेरे पास पालक होती तो पालक वाली कढ़ी बनाती, आज मेरे पास मटर है तो मटर वाली कढ़ी जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। ज़ीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया इसके अंदर, और फिर जो है एक जो टमाटर इसको भी मैं काट लूँगी, छोटा छोटा बारीक बारीक जो है वो काट लूँगी थोड़े बहुत। वैसे तो मसाले मैं कढ़ी का जब मैंने बैटर तैयार किया था ना उसमें अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े मसाले जो है मैं इसमें भी ऐड करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं किए थे, थोड़े बहुत जो है वो ऐसा रख लिया था मैंने कि मुझे इसमें जो है वो मिक्स करना है, इसमें जो है कढ़ी में जो है मिक्स करने हैं। तो टमाटर डाल दिया, थोड़े थोड़े टमाटर को पकाएंगे, हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ताकि हमारा जो ये तड़का अच्छे से रेडी हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और इसमें जो है ढककर थोड़ी देर के लिए मीडियम आँच पर छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है सिम आँच पर कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। तब तक अपना जो है आटा वगैरह भी साथ साथ में लगा कर रख लेंगे, क्योंकि क्या है टाइम का यूटिलाइज़ तभी होता है कि सारा दिन इतना लंबा हो जाता है, बच्चों के पीछे सारा दिन किचन में कोई ना कोई काम रहता है, थकावट भरा दिन हो जाता है, तो ऐसे ही जो है थोड़ा थोड़ा अपना टाइम ना जो है बचाती रहती हूँ और चीज़ों के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं, अगर मैं तड़का लगा रही हूँ एक जगह खड़ी हूँ तो मैं तड़के पे ही ध्यान दूंगी, अगर तड़का रेडी हो रहा है तब तक मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपने बाकी के काम भी जो निपटा लेती हूँ। अब सिम गैस पर तड़का रेडी हो रहा है तो मैंने तब तक जो है साथ साथ में आटा भी लगा कर रख लिया है, थोड़ी देर के लिए आटे को भी रेस्ट होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, और फिर उसके बाद ये देखिए आटा भी हमारा जो है हो गया सेट। और अभी जो है कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं, कढ़ी में जो है हमारा तड़का एकदम परफेक्ट रेडी हो गया था। तो अभी जो है मटर को मैंने थोड़ा सा धो लिया है और मटर इसमें डाल दिया है, मिक्स करेंगे साथ साथ में जो है
जो बैटर मैंने रेडी किया था उसको हिला के ये भी जो है इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी। बहुत सारे लोग एक साथ ही जो है बैटर में जब डालते हैं ना तभी बहुत सारा पानी जो है इसके अंदर डाल लेते हैं, लेकिन मैं बाद में ऐड करती हूँ, मतलब बैटर डालने के बाद साथ साथ में जो है ऐड कर देती हूँ। और जब तक कढ़ी को ना तब तक जब तक अच्छे से उफान नहीं आ जाता, अच्छे से उबाल नहीं आ जाता, तब तक जो है लगातार इसको हिलाते रहना है बार बार, नहीं तो कढ़ी जो है हमारी फट जाएगी और कढ़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। फटी फटी कढ़ी जो है वो बनकर रेडी होगी। साथ में मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी अच्छे से, तब तक जो है मेथी की खुशबू भी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो आ जाएगी और फिर धीरे धीरे कढ़ी हमारी हो जाएगी बनके रेडी। सो गाइस अभी जो है टाइम हो गया है शाम का और इस वक्त जो है थेरेपी वगैरह करा के मैं घर आई हूँ और ज़्यादा व्लॉग आज मैंने शूट नहीं किया, उसका भी एक कारण है। मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी क्योंकि क्या है ना पिछले कुछ दिनों से एक तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, कमेंट आ रहे हैं दी आप हमसे नाराज़ हो के आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं नाराज़ हूँ ना ऐसी कोई बात है, मैं बस थोड़ा सा बिजी चल रही थी तो इसलिए मैं किसी कॉमेंट का जो है वो रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। और कुछ तबीयत पानी भी आजकल जो है पता नहीं मौसम चेंज हुआ है क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सुबह शाम तो मौसम ठीक होता है लेकिन दोपहर को इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है, मतलब जेठ वाली गर्मी जो है अभी से जो है वो शुरू हो गई, बर्दाश्त नहीं होती इतनी गर्मी जो है, और उसकी वजह से ना वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, कभी कुछ भी चलता ही रहता है, सारा दिन ऐसा ही आलसपन में जो है वो चला जाता है। पता नहीं ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ लेकिन अभी जो है वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दो दिन का और टाइम मुझे दीजिए, एक दो दिन के बाद जो है मैं अच्छे से जो कोशिश करूँगी मैं आपके सारे कॉमेंट्स का जो है वो रिप्लाई कर पाऊँ। और थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को लेकर और भी थोड़ा बिजी चल रही थी। दूसरा क्या है कि कमेंट आ रहे हैं दी आप तो ससुराल गई थी, पैकिंग वगैरह करी थी, सारे काम हुए थे लेकिन आपने वीडियो शेयर नहीं करी। तो जी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप व्लॉग वगैरह सारा जो है देखा करें, अच्छे से सुना करें मैंने वीडियो में क्या बोला क्या कहा है क्या मैंने दिखाया है। तो मैंने बताया था वीडियो में साफ और क्लियर प्रॉपर मैंने बताया था कि वहाँ जाते ही उस दिन होली से नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, यानी 8 तारीख को 8, 9 और 10, 10 को हम रात को शाम को हम वापस आए थे। तो 8 को हम गए थे धुलंडी वाले दिन, और हरियाणा में धुलंडी जब वो खेली जाती है पानी से इन चीज़ों से जब वो खेली जाती है, वो हरियाणा से है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे ना कुछ देर के बाद, उस दिन हम लोगों ने शादी थी तो हम लोगों ने हमारी तरफ से दिया था बाँध, और वही गांव में नोटे वगैरह देने होते हैं जो जिनके आना जाना होता है तो उनको खाने के लिए बोलना होता है, उस दिन हम लोगों ने हलवाई को बोलकर खाना वगैरह बनवाया हुआ था। और ऐसा हुआ कि हस्बैंड गए बाहर जब वो सब करने के लिए, तो परिवार में से किसी ने उनके ऊपर पानी डाल दिया और उसमें जो है पैसे भी थे और उसमें फ़ोन भी था पॉकेट में, तो सब कुछ भीग गया और जो है फ़ोन टोटली डैमेज, टोटली जो है वो फ़ोन हमारा ख़राब हो गया था। और ऊपर से क्या हुआ कि मैं ऐसे ही जो है, बच्चे तो उसके मामा के घर पे थे और मैं एक फ़ोन यही छोड़कर चली गई थी अपना, और दूसरा फ़ोन मैं लेकर गई थी, बस ऐसे ही मैं कहा क्यों लेकर गई दूसरा फ़ोन, इसलिए मैंने एक फ़ोन को यहीं छोड़ दिया। तो उनका फ़ोन ख़राब होते हुए, बेशक उन्होंने छुट्टियां ले रखी थी लेकिन ड्यूटीज़ के लिए कॉल वगैरह आते रहते हैं, तो मैंने अपना सिम वगैरह निकाल के और एक सिम निकाल के फ़ोन जो है वो हस्बैंड को दे दिया था, ताकि उनके फ़ोन आने ज़्यादा, मेरी वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके ड्यूटी के फ़ोन जो है वो होते हैं, तो वो आने ज़्यादा ज़रूरी थे, उनका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, और है भी मेरे वीडियो से इंपॉर्टेंट उनका जो है काम है, उनकी ड्यूटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फ़ोन उनको दे दिया था, तो मेरे पास फ़ोन बचा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद जिस दिन हम लोग आए थे, एक दिन हम घर पे थे, उससे अगले दिन हम लोग फिर वापस गए हैं, जिसका वीडियो जो है ससुराल के घर का तो नहीं, लेकिन हम लोग पहले हमने माता पूजन किया, उसके बाद हम लोग अपने, हमारा जो दादा समाज वाला है हम वहाँ पर गए थे, वहाँ का वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ, मैंने मेरे वाले चैनल पर जो है हिमांक मोम लाइफस्टाइल जो है उस चैनल पर मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, कल या परसों शेयर करा था, तो आप वो ब्लॉग जो है वो जाकर देख सकते हैं। आई थिंक बहुत काफ़ी सारे कॉमेंट्स का जवाब दे दिया। अब आता है लास्ट में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग शक्ल देख के काफ़ी चीज़ें जज कर लेते हैं, लोग 10 मिनट की वीडियो देखकर बहुत कुछ अच्छी राय भी बना लेते हैं, बहुत लोग ऐसे बुरी राय भी बना लेते हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी
क्योंकि ना कमेंट है उनको पता नहीं मेरी शक्ल से मैं कहाँ से उनको मैं बुढ़ी दिखाई दी, बुढ़ी है, ज़्यादा जुबान चलाती है, पति साथ दे रहा है तो इतनी जुबान चलती है तेरी, ये वो। और ये कमेंट जो है अभी नहीं आए हैं, मैं कमेंट का आज मैंने ना मेरे जितने कमेंट बॉक्स में कमेंट थे मैंने सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया, तो उन्हीं कमेंट्स में जाकर ये जो है कुछ कमेंट्स रखे हुए थे उसमें जिन्होंने कर रखे थे, तो वो कमेंट्स अभी भी हैं। ये ध्यान नहीं मुझे कौन सी वीडियो पर है, तो अभी भी वो कमेंट वहीं पर है। तो मैंने वो कमेंट देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इन चीज़ों को देखो लगा है। मैं अपना मेहनत करती हूँ, चुपचाप वीडियोस बनाती हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, अपना जो है अपने बच्चों के साथ अपना घर में रहती हूँ, अपना जो भी है अपना रूटीन अपने साथ आपके साथ जो है वो अपना शेयर करती हूँ। और पता नहीं लोगों को क्यों इस तरह की जो है वो दिक्कत हो रही है कि इतना बड़ा घर है, ये इतराती है, वो है, वो पता नहीं क्यों। तो मैं रिक्वेस्ट इतना सा करूँगी कि अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो आप मेरी वीडियो मत देखें, अगर देखना है आपको वीडियो तो इस तरह के कमेंट ना करें, बस इतना सा ही कहूँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। व्लॉग आज बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं बना पाई, बस ऐसे ही, थोड़ी तबीयत भी ठीक गर्मी की वजह से ही थोड़ा सा ऐसे ही, और कुछ कमेंट मतलब रिप्लाई करा तो मैंने देखा कमेंट्स, तो मैं कहा नहीं है एक रिप्लाई देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सबको भी जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं उनके भी कमेंट्स का मैंने रिप्लाई कर दिया, और जो बहुत अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हैं उनको भी मैंने रिप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ जो समझ में आ गई होगी। और है ना, मैंने जो अभी पीछे दो दिन पहले एक वीडियो शेयर करा था वैक्यूम क्लीनर का, उसका प्राइस आप लोगों ने पूछा है दी प्राइस कितना, तो उसका प्राइस जो मैंने अमेजन से लिया था वो प्राइस है 3900 रुपये, उसका प्राइस है 3902 या 5 पता नहीं कुछ ऐसा, मतलब 3900 रुपये उसका प्राइस है। तो चलिए अभी व्लॉग एंड यहीं पे करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक